हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज मैं आपको बताऊंगा डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन क्या है? ये वो मेथड है जिसके ज़रिए कॉस्ट जो है वो चार्ज की जाती है फिक्स्ड एसेट्स की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस के तौर पे जो है वो फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को चार्ज करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन कहलाता है। क्योंकि जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनकी लाइफ कई सालों तक चलती है। एक साल अगर फिक्स्ड एसेट खरीद लिया तो ये नहीं है कि वो एक साल में ही यूज़ हो जाएगा, तो इसलिए हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एसेट जो है वो 1 लाख का ख़रीदा गया है 1 लाख रुपए में, तो ऐसे सिचुएशन में और उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो है 10 साल की, तो 10 साल की जो उसकी लाइफ होगी उसको स्प्रेड किया जाएगा 10 सालों पे। 10 सालों में स्प्रेड करने के लिए 1 लाख को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हर साल की जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो होगी 10,000। तो हर साल जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनेगा ऐसे एसेट पे वो बनेगा 10,000 रुपीज़ का, और इसको फिर हर साल चार्ज किया जाएगा एज अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर।